अगर आप गैस या एसिडिटी से जूझ रहे हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे टिप्स आपको देंगे जो फॉलो करके आप एसिडिटी की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। कुछ तो ऐसे टिप्स हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। नमस्ते, मेरा नाम सिमरपाल कौर है और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और वेलनेस कोच हूँ। मेरे वेलनेस प्रोग्राम्स फॉलो करके हजारों लोगों ने अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म किया और आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। अगर आप हाइपर एसिडिटी या गैस से बहुत परेशान हो तो सबसे पहले फोकस करें आप अपने खान पीन की आदतों पर। देखिए, सबसे पहले मेजर चेंजेस जो आपको अपनी डाइट में करने हैं वो है तेज मिर्ची, खट्टा तला हुआ खाना नहीं खाना और बहुत ज्यादा चाय नहीं पीनी। अक्सर ऐसा करने से एसिडिटी ट्रिगर होती है, इसकी बजाय आप फल सब्जियां ज्यादा लें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो आपने करनी है, छोटे छोटे मील्स लें और फ्रीक्वेंट मील्स लें, 2-2.5 घंटे के वक्फे पे मील्स लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह 9 बजे पेट भर के खाना खाते हो और एक बार शाम को 5 बजे खाना खाते हो, तो ऐसा खाना खाने की बजाय आप 2-2 घंटे बाद मील्स लें, छोटे छोटे मील्स लें। ऐसा करने से स्टमक में ओवरलोड नहीं होगा और एसिड प्रोडक्शन जो है थोड़ा कम हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है, च्यू योर फूड थरोली, अच्छे से चबा चबा के खाना खाएं। देखिए, ये तो डाइट में जो चेंजेस जो आपने करने थे, अब हम बात करेंगे लाइफस्टाइल, मतलब कि आपको अपनी जीवन शैली में क्या चेंजेस करने हैं। इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वेट जो है आपका वो रेंज में है। बहुत ज्यादा वेट होने से एब्डोमेन पर प्रेशर डलता है, जिससे हाइपर एसिडिटी, हार्टबर्न जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो सबसे पहले मेंटेन योर वेट। और दूसरी चीज जो बहुत कॉमन है इंडियन लाइफस्टाइल्स, रात को खाना खाने के बाद पांडा के जैसे वहीं पर जाना, और कुछ लोग तो हर मील खाने के बाद गिर जाते हैं। अवॉइड दिस थिंग, खाना खा के एकदम बिस्तर या सोफे पे मत गिरे, वेट करिए कम से कम 2-3 घंटे बिफोर गोइंग इन टू बेड। इसलिए कहा जाता है टाइमली खाना खाइए, बहुत लेट खाना मत खाएं, खाने को डाइजेशन के लिए टाइम दें। और एक प्रो टिप ये भी है, अगर आप बहुत ज्यादा दिक्कत में हैं तो और बेड का थोड़ा जो एलिवेशन है वो आप सेट कर सकते हैं, मतलब बेड पे सोने का जो लेवल है वो उसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, सो दैट खाना खाने की नली में, जिसको आप ईसोफेगस बोलते हैं, उसमें एसिड ना आए सोने के वक्त। अब टाइम आता है रेमेडीज का। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप अपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे शानदार टिप हैं जो आपकी रोजमर्रा की लाइफ में बहुत हेल्प कर सकते हैं आपको। सबसे पहले है अदरक का पानी। शाम के वक्त एक नेल लेंथ नाखून के जितना जिंजर ग्रेट करके 1 कप पानी में बॉईल कर लें। ल्यूकवर्म और गुनगुना होने पर उसको पिए, या फिर छोटा सा पीस अदरक का लेके उसको चबाते रहें। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके बॉडी को, आपके स्टमक को, गट को रिलीफ देगा। दूसरी चीज जो आपने ट्राई करनी है वो है एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका। खाना खाने से पहले आपको 1 चम्मच लगभग 5 ml एप्पल साइडर विनेगर 50 ml पानी में डाइल्यूट करके लेना है। ऐसा करने से आपके स्टमक में एसिड के लेवल्स बैलेंस हो जाएंगे और आपको बहुत रिलीफ फील होगा। 1 आयुर्वेदिक ट्रिक जो बहुत कारगर साबित हुआ है मेरे 8 सालों की प्रैक्टिस में, बट ध्यान रखिए डायबिटिक लोग इसका सेवन मत कीजिए। एक बनाना लीजिए, उसको मैश करिए और 1 टीस्पून हनी उसमें डालिए। अब दिन के 12 बजे के करीब इसका सेवन करिए एंड यू विल फील ग्रेट डिफरेंस इन योर एसिडिटी 2 ही हफ्तों में। और आज का सबसे बड़ा खुलासा, देखिए एक बहुत अंडररेटेड कारण है हाइपर एसिडिटी और गैस का, कई लोग इसको कारण ही कंसिडर नहीं करते, वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। सो कोशिश करें आप छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस ना लें, इजी रहें, खुश रहें, हंसते हंसाते रहें, वो भी दिल से। किसी से जेलस मत करें, फालतू के कंपैरिजन मत करें, बच्चों को, फाइनेंस को, हेल्थ को और अपनी फिगर को लेके। स्ट्रेस वाली बातों को छोटा करें और उन्हें फूंक मार के उड़ा दें, क्योंकि स्ट्रेस लेने से बॉडी में एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। बेस्ट टिप जो मैं आपको दूंगी, आप डीप ब्रीदिंग करें, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लें, स्पेशली खाना खाने से पहले 4 से 5 लंबी गहरी सांसें लें। आप मेडिटेशन और योग का भी अभ्यास कर सकते हैं, ये आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करेगा और डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करेगा। जिनको हाइपर एसिडिटी के इश्यूज रहते हैं उनके लिए एक्सरसाइज और वॉकिंग अमृत के जैसे काम करता है। फर्स्ट वॉकिंग करने से, एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस दूर भाग जाता है और हमारा जो पेट है वो हैप्पी रहता है, हमारे एसिडिटी होने के चांसेस ना के करीब हो जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको बहुत काम आएंगी एंड अगर आपको लगता है ये वीडियोस किसी की हेल्प कर सकती हैं तो आप उनको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। लव यू, स्टे ब्लेस्ड।